प्यारे बच्चों, पिछले दिन आपको दिस और दैट के प्रयोग के बारे में बताया गया। उसी से संबंधित आज आपको नकारात्मक वाक्य दिस दैट के अंतर्गत आने वाले नकारात्मक नहीं वाले शब्द जो वाक्य में आएंगे उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में आपको नियम सहित और उदाहरण भी बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। तो निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य साधारण वाक्य में नहीं शब्द जुड़ने से बनता है और नियम से साधारण वाक्य का ही आपको मिलेगा। आपको केवल ये जो सहायक क्रिया है इज, उसके बाद आपको नॉट लगाना है नेगेटिव के लिए। तो एग्जांपल में जैसे यह एक नौकरी नहीं है, तो जैसे कल आपको बताया गया था कि दिस मीन्स यह होता है, यह की अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे और इसके बाद सीधे आप चले जाएंगे है के पास। तो है की स्पेलिंग पिछले दिनों बताया गया था आपको, इस यहां लिखा गया है रूट में स्ट्रक्चर में। इसके बाद आपको ये शब्द नॉट जोड़ देना है, इसमें नहीं जो शब्द आया है उसकी अंग्रेजी नॉट होती है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, एक टोकरी, एक अंग्रेजी से आपको बताया गया था ए, और टोकरी की स्पेलिंग बास्केट होती है। दूसरे उदाहरण में आपको वह एक बिल्ली नहीं है, सारा एक ट्रांसलेशन आपको ऊपर जैसा ही करना है, केवल यह की अंग्रेजी जहां दिस लिखे हैं वहां वह की अंग्रेजी आप दैट क्यों लिखेंगे दैट। फिर आप है के पास जाएंगे दैट इज नॉट ए दैट। केवल आपको इसके बाद नॉट को रखना है। साधारण वाक्य में ये नॉट यहां नहीं था क्योंकि वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया था। तो आपको इस नकारात्मक वाक्य से संबंधित कुछ उदाहरण होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। आप इस उदाहरण को ट्रांसलेट करें और यदि आपके विचार में कोई उदाहरण ऐसा बनता है और संख्या को बढ़ा करके आप रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।